नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, क्या नहीं होता है, साथ साथ दोस्तों इसके जितने भी दोस्तों फॉर्मूले दिए गए हैं, जो कैपेसिटर हमारा एक चैप्टर है या यूनिट है, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को कराऊंगा और उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं उनको देता जाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कैपेसिटर की। किसकी बात करूँगा? कैपेसिटर की। दोस्तों, जिस किसी ने हमारा YouTube चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट उसे सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को, और दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक भी कीजिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? तो इसके अंदर आता है दोस्तों एक स्थैतिक वैद्युत का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एक स्थैतिक वैद्युत की, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी होती है दोस्तों? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये किसके अंदर होती है दोस्तों? ये होती है हमारी यानी कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये क्या होती है? एक विराम स्थिति के बारे में हमें जानकारी देती है, या बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से बोला जाए, वैद्युत की विराम स्थिति के बारे में हमें क्या मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है, वैद्युत की विराम स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, विराम स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अब मैं जैसे बात करूं कैपेसिटर के ही बारे में बात करूं, तो जैसे कैपेसिटर जो होता है हमारा, इस पर क्या होते हैं? दो तरह के क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। कितने तरह के होते हैं हमारे? दो तरह के चार्ज होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट होता है हमारा यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज होता है, या इसे बोला जाता है हमारा यानी धनात्मक आवेश। क्या बोला जाता है दोस्तों? धनात्मक आवेश। और दूसरा होता हमारा नेगेटिव चार्ज। कौन सा होता है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी इससे बोला जाता है ऋणात्मक आवेश। क्या बोला जाता है? ऋणात्मक आवेश। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें, यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज। इसी के अनुसार एक बना है हमारा यानी एक कूलाम का नियम। क्या बना दोस्तों? कूलाम का नियम। जो कूलाम का नियम होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये कूलाम के स्थिर वैद्युत का नियम है इसके अंदर, यानी क्या बनता है हमारा कूलाम के स्थिर वैद्युत की संबंधी नियम, या हम बोल सकते हैं दोस्तों इसे यानी कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसने दोस्तों कूलाम ने वैद्युत संबंधित दोस्तों दो नियम दिए थे। कितने दिए थे? दो नियम। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रथम नियम की बात करूंगा इसमें। ये किसकी बात करूंगा? प्रथम नियम की बात करूंगा। फिर बात करूंगा मैं सेकंड नियम की यानी द्वितीय नियम, या इसे बोल सकता हूँ सेकंड लॉ, इसे बोल सकता हूँ मैं फर्स्ट लॉ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्या नहीं होता, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। ये फर्स्ट लॉ होता है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा यानी प्रथम नियम की दोस्तों। प्रथम नियम में क्या होता है, जैसे हमारे कोई दो चार्ज हैं, क्या हैं दोस्तों? दो चार्ज हैं। एक होता हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हम बात करें, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हुआ हमारा, कौन सा हुआ दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज हुआ। एक हुआ हमारा नेगेटिव चार्ज, कौन सा हुआ? नेगेटिव चार्ज। और ऐसी कंडीशन में यानी ये कैसे हो गए हमारे? अपोजिट चार्ज हो गए। कैसे हो गए? अपोजिट चार्ज, अर्थात बोल सकते हैं इसे यानी एक विपरीत चार्ज हो गए। कैसे हो गए हमारे? विपरीत आवेश हो गए, या चार्ज बोल सकते हैं इसे। यानी दोस्तों ये विपरीत जो चार्ज हुए हैं, ऐसी कंडीशन में हम यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऐसी कंडीशन में कैसे हो गए? तुम्हारे विपरीत चार्ज हो गए। ऐसी कंडीशन में जो विपरीत चार्ज होंगे, ये क्या करेंगे हमें? आप एक दूसरे को क्या करेंगे? ये आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अब जैसे तुम्हारे एक हुआ हमारा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा भी कैसा हुआ हमारा? पॉजिटिव चार्ज हुआ। कौन सा हुआ? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल सकते हैं? ये भी कैसा हुआ? नेगेटिव चार्ज हुआ। ये भी कैसा हुआ? नेगेटिव चार्ज हुआ।
तो यानी एक जैसे चार्ज होते हैं, यानी ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऐसी कंडीशन में बोल सकते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी जो विपरीत, ये बताए मैंने बताए थे तुम्हारे समान कैसे हो गए, तुम्हारे समानावेश हो गए, कैसे हो गए हमारे समानावेश हो गए, ये समानावेश होते हैं, ये क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं प्रतिकर्षित, क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे ये। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी, जैसे तुम्हारे यदि यहीं पर होते हमारे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते, कौन से होते हमारे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते, जैसे ये भी कैसा होता हमारा नेगेटिव चार्ज होता, कैसा होता नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी कैसा होता हमारा नेगेटिव चार्ज होता, यानी नेगेटिव आवेश होता, ऐसे हम चार्ज को क्या बोलते हैं दोस्तों आवेश बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं, यानी ये समान आवेश हो गए, तो जब समान आवेश होंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, क्या बोलेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, यानी अर्थात बोला जा सकता है यानी रिपल्सर करेंगे, क्या बोलेंगे रिपल्सर करेंगे। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब जैसे कि दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसमें बात करूँ मैं इसमें इसी के अनुसार, यानी जैसे मैंने बताया था एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे हमारे सबसे पहले इनके अंदर जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो एक क्या तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, यानी कैसे हो गए ये दोनों विपरीत, क्या हो गए विपरीत आवेश, तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कैसा हमारा नेगेटिव चार्ज, तो हमें इन्हें भी देखना है क्वेश्चनों को। जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात करें इसमें, तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर जो भी चार्ज होंगे, क्या होंगे जो भी चार्ज होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो भी चार्ज होंगे इससे जो क्या निकलेगा हमारा वैद्युत परिरेखा निकलेगी, इनसे क्या निकलेगी वैद्युत परिरेखाएँ, तो इनके अंदर क्या होगा जो एक फोर्स डेवलप होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों ये आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे आकर्षित, और यदि ये कैसा होता वो हमारा प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता, दूसरा भी कैसा होता हमारा पॉजिटिव चार्ज होता, तो ऐसी कंडीशन में एक दूसरे को क्या करते ये यानी प्रतिकर्षित करते, ये कैसे करते प्रतिकर्षित, और ये क्या करते आकर्षित करते, अभी मैंने जो समझाया था। जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे नेक्स्ट बात करूंगा अब मैं सबसे पहले फर्स्ट नियम की बात, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी किस कंडीशन से बनेगी, सबसे पहले इसके बारे में बात करूंगा, तो इसके बारे में जो डेफिनेशन बनेगी सबसे पहले प्रथम नियम में या बोल सकते हैं, यानी समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, कैसे होते हैं हमारे समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, या बोल सकते हैं समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, तो ये बनता दोस्तों फर्स्ट नियम में बनता हमारा जो कूलाम का स्थिर वैद्युतीय की संबंधी जो फर्स्ट नियम था। अब दोस्तों इसमें बात करूंगा मैं सेकंड लॉ की, किसकी बात करूंगा सेकंड लॉ की, इतनी जरूर बात समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इसमें मैं बात करूंगा यानी सेकंड लॉ की बात करूंगा, अब किसकी बात करूंगा सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में बात करेंगे, यानी बोल सकते हैं यानी जो कूलाम का वैद्युत संबंधी जो तुम्हारा सेकंड लॉ है तुम्हारा इसमें, या बोल सकते हैं द्वितीय नियम, क्या बोल सकते हैं द्वितीय नियम को बोला जा सकता है यानी सेकंड लॉ, क्या बोला जा सकता है सेकंड लॉ। अब इसमें क्या होता है सबसे पहले, जैसे कोई हमारा आवेश है, क्या है दोस्तों इसमें एक प्लस क्यू आवेश हम मानते हैं और दूसरा है हमारा नेगेटिव क्यू, या बोल सकते हैं एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा भी कैसा हमारा आवेश, मैं मान लूँ इसमें प्लस क्यू यानी एक क्यू वन आवेश मान लूँ और दूसरा भी कैसा मान लूँ क्यू टू आवेश मान लूँ, कैसा मान लूँ आवेश, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या मान लूँ मैं डी मान लूँ, क्या मान लूँ डी मान लूँ डिस्टेंस, ये क्या हुआ हमारा एक आवेश ये हो गया Q1, दूसरा क्या हुआ Q2,
ऐसी कंडीशन में इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या हो गई, डी हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पर एफ प्रोपोर्शनल बन जाएगा, इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, यानी एक आकर्षित बल और दूसरा क्या होगा, एक प्रतिकर्षित बल। जब यानी मैंने बताया था फर्स्ट लॉ में बताया था, यानी जब समान प्रकृति के ये आवेश होते हैं, यानी क्यू वन और क्यू टू यानी कैसे हों, समान प्रकृति के हों, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये एक दूसरे को यानी प्रतिकर्षित करेंगे। यदि ये विपरीत प्रकृति के होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। यदि आकर्षित करेंगे तो ऐसी कंडीशन में इनके अंदर क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा। क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा, उसी फोर्स की बात कर रहा हूँ। अर्थात बोल सकता हूँ एफ प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ मैं, क्यू वन क्यू टू बोल सकता हूँ। ऐसे ही हमारा जो इसके दोनों आवेश हैं ये क्यू वन क्यू टू, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसमें डी है, और डी के कैसा होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बोला जा सकता है एफ प्रोपोर्शनल बोला जा सकता है डी स्क्वायर। क्या बोला जा सकता है, डी स्क्वायर। अर्थात इसके सेकंड लॉ की बात करूँ मैं, इसमें जो कूलाम का सेकंड लॉ है, इसे किस कंडीशन से लैंग्वेज बनेगी इसकी, तो हम बोल सकते हैं यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच, दोस्तों क्या बोल सकते हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बनता है दोस्तों सेकंड लॉ। तो इसमें लिख सकते हैं यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। दोस्तों क्या है, आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के दोस्तों नीचे लिख ला रहा हूँ इसे मैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बोल सकते हैं, मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया था अभी मैंने, यानी क्या बोल सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं क्यू वन क्यू टू, और दूसरा बताया था मैंने एफ प्रोपोर्शनल वन बट्टे डी स्क्वायर, यानी ये मान सकता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बोल सकता हूँ मैं यानी इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर अब इसे मिला दें तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये फॉर्मूला बनेगा हमारा, ये बनेगा एफ प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू बट्टे डी स्क्वायर। क्या बनेगा, एफ प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू बट्टे डी स्क्वायर। अब दोस्तों ये फॉर्मूला बना हमारा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ आएगा हमारी, ये कॉन्स्टेंट निकलेगा यहाँ पर, क्या निकलेगा, कॉन्स्टेंट, या इसे बोला जाता है स्थिरांक। क्या बोला जाता है, स्थिरांक, या हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये कॉन्स्टेंट वैल्यू निकली हमारी यहाँ पर, कॉन्स्टेंट हमने मैंने मान लिया के। तो दोस्तों इसकी वैल्यू के की वैल्यू होती है, यही बता दे रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू होती है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है। तो रखते हैं दोस्तों इसमें इसकी जो वैल्यू होती है, तो रखते हैं एफ बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर, जैसे 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर, या डी स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों पूछा जाता है यहाँ पर जो तुम्हारा इसमें 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁴, कितना होता है, 9 होती है। अर्थात बोल सकते हैं जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, ये क्या होती है, माध्यम की, क्या बोल सकते हैं, माध्यम में शून्य की वैद्युतशीलता, शून्य की वैद्युतशीलता। तो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये होती है इसकी 8.86 × 10⁻½ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू। या बोल सकते हैं दूसरा इसका एक और मात्रक होता है, अथवा हम बोल सकते हैं फेरेड प्रति मीटर। क्या बोल सकते हैं, फेरेड प्रति मीटर। अब फेरेड प्रति मीटर बोल सकते हैं दूसरा मात्र इसका,
पूछ सकता है क्वेश्चन में, यानी एप्सिलॉन नॉट की बोली वैल्यू होती है, वो होती है तुम्हारी 8.86 या बोल सकते हैं 85 बोल सकते हैं इंटू 10^-12 यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, अर्थात दूसरा मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर होता है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। इस प्रकार मैंने बताया यानी फैराडे के वैद्युत संबंधी तुम्हारा जो सेकेंड लॉ के बारे में बताया। अब इसी प्रकार दोस्तों मैं बात करूंगा इसमें यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। किसके बारे में करेंगे दोस्तों? वैद्युत फ्लक्स, यह हम बोला जा सकता है इसे यानी इलेक्ट्रिक, क्या बोला जा सकता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों? यानी फाई ई इक्वल टू होता है हमारा यानी ई इंटू डी ए, क्या होता है? ई इंटू डी ए, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों जैसे कोई हमारी कोई सरफेस है, क्या हमारी सरफेस, और यदि सरफेस पर एक क्या हमारे एक लंबवत कंडीशन में हमारा कोई भी लंबवत कंडीशन में क्या हो रहा है हमारा एक वैद्युत फ्लक्स डेवलप हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में किसी सरफेस से उस सरफेस को मैं थीटा एंगल पर घुमा दूं, किसी पर घुमा दूं भाई थीटा एंगल पर घुमा दूं, तो ऐसी कंडीशन में जो सरफेस होगी हमारी वो होगी हमारी थीटा बनेगा, तो थीटा एंगल पर घुमा दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा हम आप इस पर बन जाएगा फाई इज बन जाएगा ई इंटू डी ए कॉस फाई। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी, या फाई इंटू ई डी ए कॉस थीटा बनेगा। शायद बोल सकता हूँ जो भी सरफेस है यानी जो पृष्ठ है हमारी, या पृष्ठ को थीटा डिग्री पर या थीटा डिग्री पर घुमा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में फोटो बनेगा दोस्तों फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो फ्लक्स होता है हमारा, क्या होता है? जो फ्लक्स होता है तो जब समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कैसा हो? लंबवत है, वो कैसा हो? लंबवत स्थिति में हो, तो ऐसी कंडीशन में तो लंबवत के लिए हो जाता है दोस्तों हमारा यानी थीटा इक्वल टू होता है हमारा जीरो, कितना हो जाता है? जीरो। तो ऐसी कंडीशन में लंबवत कंडीशन में तो फाई ई बनेगा दोस्तों इसमें यानी ई इंटू डी ए कॉस क्या बनेगा तुम्हारा? जीरो डिग्री। तो कॉस जीरो की वैल्यू दोस्तों क्या होती है? यानी साइन 90 के बराबर होती है, अर्थात उठ सकते हैं एक होती है। तो ऐसी कंडीशन में लंबवत कंडीशन में फाई ई इक्वल टू बनेगा हमारा ई इंटू डी ए, क्या बनेगा? ई इंटू डी ए बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लक्स डेवलप होगा दोस्तों वो कैसा होगा? हमारा अधिकतम कंडीशन में होगा दोस्तों, कैसा होगा? अधिकतम कंडीशन में जो वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा कैसा होगा दोस्तों? जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा हमारा? अधिक डेवलप होगा ऐसी कंडीशन में, जब क्या हो तुम्हारा किसी भी सरफेस पर जो क्या होता है तुम्हारे जो फ्लक्स होता है वैद्युत फ्लक्स, जैसे मैंने थीटा डिग्री पर घुमाया यानी उसी को मैंने किस पर कर दिया, यानी जो फ्लक्स है लंबवत थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पर मैंने घुमा दिया। यदि इसी को हम क्या कर दूँ इसके समांतर में कर दूँ, क्या कर दूँ इसके समांतर में कर दूँ, समांतर में हो जाएगा दोस्तों थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के लिए बन जाता है फाई इक्वल टू बन जाएगा हमारा ई इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री। दोस्तों कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? यानी जीरो होती है, कितनी होती है? जीरो। इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा वो कितना निकलेगा हमारा? शून्य, अर्थात बोल सकते हैं इसको यानी बहुत कम अर्थात न्यूनतम डेवलप होगा ऐसी कंडीशन में, कितना होगा दोस्तों? न्यूनतम डेवलप होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो तुम्हारे वैद्युत फ्लक्स संबंधी होते हैं, जैसे वैद्युत फ्लक्स संबंधी मैंने बताया। अब मैं बात करूँगा दोस्तों इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या नहीं होती है। सबसे पहले मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करूँ तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों जैसे भी हम बात कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है क्या नहीं होती, सबसे पहले मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम डेफिनेशन पूछ सकते हैं, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्यू आवेश पर क्या होता है? एक एफ बल मिलता है हमें, यानी एक जो एफ होता है हमारा जो फोर्स डेवलप हो जाता है यानी एक फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला बनता हमारा यानी एफ बराबर बनता हमारा यानी क्या बनता दोस्तों इसमें यानी सॉरी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये बनता हमारा ई बराबर बनता है एफ बट्टे क्यू, क्या बनता है? ई बराबर एफ बट्टे क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है जो
एफ है यहाँ पर, ये क्या है, एक एफ बल है, बल क्या है, बल है इसमें, और जो क्यू है यहाँ पर एक चार्ज है यानी एक आवेश है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बनता है, ई बराबर बनता है वी बट्टे एल, क्या बनता है दोस्तों, वी बट्टे एल। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों फॉर्मूले ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दोस्तों इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, मात्रक होता है, मात्रक भी क्या होता है, यानी कि अलग अलग होते हैं दोनों के ही। तो दोस्तों इसमें जो इसका जो मात्र निकलेगा हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई बराबर बनेगा हमारा एफ बट्टे क्यू। तो ऐसी कंडीशन में एफ क्या है, एक फोर्स है, फोर्स का मात्र दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है, और जो दोस्तों जो चार्ज होता है अर्थात बोला जाता है जो आवेश होता है, आवेश का मात्र क्या होता है, कूलम होता है। तो दोस्तों इसके जो यूनिट क्या बनेगी दोस्तों, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो यूनिट बनेगी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो यूनिट बनेगी हमारी क्या बनेगी, न्यूटन प्रति कूलम बनेगी, क्या बनेगी दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम। अब दूसरी यूनिट की बात करें इसमें ई बराबर वी बट्टे एल से, तो इसकी जो यूनिट बनेगी हमारी यानी इकाई, या बोल सकते हैं जो भी दोस्तों इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा यहाँ पर क्या है, वी है दोस्तों, इसमें विभवांतर है, और एल क्या है, इसमें किसी भी जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर होता है तो उस कंडीशन में उसमें किसी न किसी तरह से क्या होती है, उसकी एक लंबाई होती है। तो ऐसी कंडीशन में तो आप देखते हैं इसमें, तो इसका जो मात्रक बनेगा हमारा वोल्ट प्रति मीटर बनेगा, क्या बनेगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो इस प्रकार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ हम बात करें जैसे कोई खोखला बेलन होता है हमारा, तो पूछा जाता है यार खोखला बेलन की बात करें, या हम बात करें खोखले चालक की बात करें, तो खोखले चालक के अंदर क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी वो कैसी होती है दोस्तों, शून्य होती है, कैसी होती है, शून्य होती है। अब बोल सकते हैं तो इसी प्रकार जैसे देखा हो तुम्हें आकाशीय बिजली होती है, तो हम देखा हुआ कार के शीशे को चारों तरफ से हम बंद कर लें, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जब कार में बैठा व्यक्ति हो जाता है वो कि उस पर किसी भी प्रकार की यानी बोल सकते हैं वैद्युत धारा या बोल सकते हैं किसी भी प्रकार का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी एक सेफ कंडीशन में वो बचा रहता है, कैसा होता है तुम्हारा, एक सुरक्षित कंडीशन में वो बचा रहता है, अर्थात बोला जा सकता है यानी कोई भी खोखला बेलन होता है, जब बोले खोखले बेलन की बात करें या फिर किसी भी खोखले चालक की बात करें, यानी उसके अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसे होती है, शून्य होती है। इसलिए दोस्तों जो व्यक्ति होता है कार के अंदर जो बैठा व्यक्ति होता है उसके शीशे चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे हो गई, शून्य हो गई, तो उसके अंदर धारा प्रभावित नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ व्यक्ति और फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ मैं बात करूँगा अब, यानी मैं बात करूंगा अब कैपेसिटर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, ये कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, तो कैपेसिटर की बात करें हम दोस्तों इसमें, तो हम बात करेंगे सबसे पहले संधारित्र। दोस्तों संधारित्र क्या होता है, दोस्तों नाम सुना होगा, यानी जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, क्या करता है, एनर्जी होती है उसे क्या करता है, स्टोर करता है, अर्थात बोल सकते हैं यानी जो संधारित्र होता है क्या होता है दोस्तों, संधारित्र। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो संधारित्र की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं कैपेसिटर की, किसकी बात कर रहा हूँ, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, या इसका काम क्या होता है, और दोस्तों इसको इस सिंगल फेज मोटरों में जो कैपेसिटर का यूज किया जाता है, और साथ साथ दोस्तों देखा होगा तुमने यानी सिंगल फेज मोटरों के साथ साथ तुम्हारे फैन होते हैं, तुम्हारे जो सीलिंग फैन होते हैं वहाँ पर भी कैपेसिटर का यूज किया जाता है, और वहाँ पर साथ साथ दोस्तों ये कई प्रकार के होते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर भी कैसे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे वेरिएबल टाइप होते हैं, एक होते हैं फिक्स टाइप होते हैं, अर्थात बोला जाता है यानी एक नियत कंडीशन के होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे यानी परवर्ती कंडीशन के होते हैं। तो वहाँ पर तुम्हारे ज़्यादातर जो कैपेसिटर यूज किए जाते हैं वो ज़्यादातर दोस्तों हमारे यानी एक फिक्स कंडीशन के या बोल सकते हैं वेरिएबल कंडीशन के ही कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, इनमें भी टाइप होते हैं मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले कैपेसिटर की बात करें तो दोस्तों कोई भी कंडक्टर होता है, क्या होता है, कोई कंडक्टर होता है, और देखा होगा तुमने जो कैपेसिटर का सिंबल इस कंडीशन से होता है, ये किसका होता है, कैपेसिटर। तो दोस्तों किसी कंडक्टर है तो जैसे कंडक्टर जा रहा है, तो कंडक्टर के द्वारा क्या होगा, कोई चार्ज डेवलप होगा, सबसे पहले चार्ज जाएगा इसमें, यानी एक धारा प्रभावित होगी, धारा के साथ साथ होता है दोस्तों मैंने बताया था क्यू बराबर क्या होता है, आई टू होता है, इसी के हिसाब से क्या होता है, एक चार्ज डेवलप होता है, इसके कई फॉर्मूले बताए थे मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, तो यानी एक क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है, और एक क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। यहाँ से बोल जाता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही हम वैद्युत धारा बोल सकते हैं। और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनों की जैसे तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और तुम्हारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6×10⁻⁴ के कितना होता है हमारा 19 होता है, वो किसमें होता है कूलाम में होता है मात्रक उसका। तो सबसे पहले हमारा कोई भी तुम्हारा कैपेसिटर है ये, तो इसको सबसे पहले हम देखें कोई कंडक्टर है तो ये क्या है, इसकी एक पॉजिटिव प्लेट है, ये कैसी है तुम्हारी नेगेटिव प्लेट है। तो दोस्तों इसमें जो पॉजिटिव प्लेट है ये क्या तुम्हारा दोस्तों इसमें जो पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी कैसी हमारी नेगेटिव प्लेट है, कैसी है नेगेटिव प्लेट। तो जैसे इसे चार्ज दिया जाता है किसी भी प्लेट को, हम जैसे प्लेट है उसको जैसे ही हम क्या करेंगे चार्ज दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में इसके सिरों पर क्या होगा एक विभवांतर डेवलप हो जाता है, क्या हो जाता है जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। तो इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं इसका फॉर्मूले के बारे में बात करें तो बन जाएगा हमारा की प्रोपोर्शनल बन जाएगा वी, क्या बन जाएगा दोस्तों की प्रोपोर्शनल वी। अर्थात जैसे जैसे हमें चार्ज की वैल्यू बढ़ाते हैं साथ साथ क्या होते हैं वोल्टेज भी बढ़ते हैं, अर्थात बोल सकते हैं विभवांतर भी बढ़ता है। और जैसे ही तुम चार्ज को घटा दें इसमें, यानी जो कोई भी कंडक्टर है कंडक्टर का जो चार्ज है उसे घटा दें, तो ऐसी कंडीशन में हमारे वोल्टेज भी घटे आएंगे तुम्हारे ऐसी कंडीशन में। तो दोस्तों ये किसके अंदर होता है, सभी कैपेसिटर के अंदर होता है। अब जैसे मैं बात करूं कैपेसिटर के साथ साथ इसमें, अब जैसे Q प्रोपोर्शनल V आया तो यहाँ पर जैसे ही मैं Q को मैं क्या कर दूँ हटा दूँ इसे, यानी सॉरी हटाऊँ ना, यानी यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू मानूँ, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टेंट मैंने क्या मान लिया यहाँ पर सी क्या मान लिया मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया, सी को क्या मान लिया मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों फॉर्मूला बनेगा सी यानी क्यू बराबर बन जाएगा सी वी, क्या बन जाएगा सी वी। तो इसी प्रकार बनता है कि सी बराबर फॉर्मूला ज्ञात करूँ मैं, यहाँ पर ये क्या होती है ये होता है कैपेसिटर होता है यानी संधारित्र होता है, यानी संधारित्र की एक धारिता होती है, यानी इसे सी से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो सी बराबर होता है हमारा क्यू बट्टे वी। तो हम बोल सकते हैं इसके संधारित्र यानी कैपेसिटर की डेफिनेशन को बोल सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश, कोई भी कंडक्टर है दोस्तों ये कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर को दिया गया आवेश तथा उसके स्रों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही हम बोलते हैं यानी वैद्युत धारिता बोल सकते हैं या वैद्युत संधारित्र बोल सकते हैं, जो भी तुम्हारा जो कैपेसिटर हुआ है उसको कैपेसिटर को हम बोल सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं दोस्तों इसमें इसके मात्रक की बात करूं तो इसका जो मात्रक निकलेगा इसकी जो यूनिट निकलेगी हमारी, तो दोस्तों ये आवेश है, ये क्या है दोस्तों क्यों क्या यहाँ पर आवेश है और वी क्या यहाँ पर वोल्टेज है, जब बोल सकते हो विभवांतर है, तो दोस्तों विभवांतर का मात्र क्या होता है वोल्ट होता है और आवेश का मात्र क्या होता है कूलाम होता है। इस प्रकार दोस्तों इसमें जो वैद्युत धारिता या बोल सकते हैं यहाँ पर संधारित्र का जो फॉर्मूला बनेगा यानी वैद्युत धारिता का सी बराबर क्यू बट्टे वी से बनेगा हमारा, यानी क्या बनेगा यानी कूलाम, क्या बनेगा दोस्तों कूलाम प्रति वोल्ट बनेगा। अर्थात दोस्तों इसके जो खोज किसने की थी हमारे फैराड नामक एक वैज्ञानिक था। इस प्रकार दूसरा मात्रक इसका क्या हो गया फैराड हो गया। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों एक फैराड बराबर क्या, तो क्या बोल सकते हैं एक फैराड बराबर होता हमारा यानी कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों इसमें एक और फॉर्मूला बनता है, जैसे फॉर्मूला तो ये बन गया तुम्हारा और साथ साथ एक और होता है इसमें एक फैराड किसके बराबर होता है दोस्तों, ये एक फैराड होता है हमारा, क्या बोल सकते हैं एक फैराड भी होता है तुम्हारा 9×10⁻¹, क्या होता है स्टेट फैराड के स्टेट कूलाम के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है स्टेट कूलाम। तो ये भी पूछ लिया जाता क्वेश्चन यानी एक फैराड होता है ये किसके बराबर होता है, तो दोस्तों किसके बराबर होता है सॉरी एक फैराड होता है हमारा यानी एक स्टेट कूलाम के बराबर हो, एक स्टेट फैराड के बराबर सॉरी किसके बराबर हो एक स्टेट फैराड के बराबर होगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें जैसे बात करें जो भी तुम्हारी जो संधारित्र होता है यानी अर्थात संधारित्र की जो धारिता होती है हमारी वो कैसी हमारी एक अदिश राशि होती है, कैसी होती है अदिश राशि होती है, यानी ये भी दोस्तों ये संधारित्र की धारिता इसमें ज्ञात करेंगे संधारित्र ये भी कैसा होती है एक अदिश राशि होती है, कैसी होती है हमारी राशि भी पूछे तुम्हें तो कैसी होगी तुम्हारी अदिश राशि होगी। अब जैसे दोस्तों मैंने फॉर्मूले के बारे में बताया इसके और साथ साथ दोस्तों मैं यहीं पर मैं बात करूं जो संधारित्र होता है संधारित्र की संचित वैद्युत ऊर्जा के बारे में बात करूं मैं, किसके बारे में बात करूं संधारित्र की संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित विभव ऊर्जा के बारे में, किसके बारे में विभव ऊर्जा के बारे में बात कर रहा हूं। इसकी सबसे पहले इसका हेडिंग है वो ये क्या तुम्हारी संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो दोस्तों संधारित्र की संचित ऊर्जा होती है इसे हम निकालने पड़ेंगे इसके जो फॉर्मूले होते हैं, इसके जो तीन फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है सबसे पहले संचित ऊर्जा, जो भी दोस्तों जहाँ पर संचित ऊर्जा है इसका मात्रक सीधा सीधा क्या बन जाता है हमारा यानी क्या बन जाता है जूल बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था जो क्यू प्रोपोर्शनल भी है यानी ऐसी कंडीशन जैसे जैसे किसी किसी कंडक्टर को क्या दिया जाएगा चार्ज दिया जाएगा,
तो ऐसी कंडीशन में चार्ज किसके समानुपाती होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ने लगती है। तो जैसे ही दोस्तों मैंने चार्ज को घटाया जाए तो साथ में क्या होगा, वोल्टेज भी घटेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, इसके बीच में क्या बनता है, ग्राफ बनता है, यानी एक जो कर्व बनेगा हमारा, यानी किसके बीच में, आवेश और किसके बीच में, यानी वोल्टेज के बीच में। यानी आवेश क्या है, यहाँ पर आवेश दिया है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यहाँ पर क्या है, विभवांतर। क्या है दोस्तों, ये विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाते हैं और साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ते जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, लीनियर बनता है दोस्तों। कैसा बनता है, लीनियर। तो लीनियर कंडीशन में इसका ग्राफ बना किसका, कैसा बनता है दोस्तों, ये लीनियर बनता है तुम्हारा। किसका बनता है, संधारित्र का। पूछ लेता है क्वेश्चन में, जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र की धारिता जब ज्ञात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो वोल्टेज के समानुपाती होता है, ऐसी कंडीशन में जब आवेश को इनक्रीज किया जाए तो उसी कंडीशन में वोल्टेज को भी हम इनक्रीज करना, वोल्टेज भी कैसे हो जाते हैं, इनक्रीज हो जाते हैं। अब दोस्तों इसमें जैसे ही ग्राफ की बात करें इसमें, तो इसी प्रकार दोस्तों ये ग्राफ बना हमारा, तो इसी प्रकार देखें दोस्तों, ये क्या हमारा एक आवेश है, ये क्या यहाँ तक क्या है, आवेश है, और यहाँ तक क्या तुम्हारे वोल्टेज है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से मैंने जो भी तुम्हारे जो लीनियर रेखा गई है हमारी, यानी एक रेखीय एक सीधी रेखा गई है, इसे बोलेंगे लीनियर, यानी रेखीय परपथ कंडीशन में बन गया तुम्हारा। तो ऐसी कंडीशन में यानी इसके बीच में यहाँ से मैंने क्या डाल दिया, जो रेखीय परपथ से क्या डाल दिया, इस पर वोल्टेज पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, लंब। तो ऐसी कंडीशन में जितना दोस्तों ये क्या है, चार्ज है, तो ये भी चार्ज इसके ही बराबर होगा, और ये क्या दोस्तों नीचे क्या दिए हैं, ये वोल्टेज दिए हैं हमारे, क्या दिए हैं, वोल्टेज। तो ऐसी कंडीशन में हम संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है, हमें संचित वैभव ऊर्जा को ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में संचित वैभव ऊर्जा को हम किससे करते हैं, यू से प्रदर्शित। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ज्ञात करेंगे इसमें, यानी ये क्या बना हमारा, एक त्रिभुज बना हमारा, क्या बन गया, त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यहाँ पर, सबसे पहले क्या ज्ञात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों एक बट्टे दो, क्या होता है, आधार इंटू लंब होता है। क्या होता है, आधार इंटू लंब होता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसमें देखना है, यानी आधार है वो आधार क्या है, वोल्टेज है, और दोस्तों इसमें लंब है वो क्या है, क्यू है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसका फॉर्मूला यानी वैद्युत का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, मैंने यू से प्रदर्शित कर दिया, यानी संचित संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए। तो यू बराबर बनेगा वहाँ पर 1/2, आधार क्या बन गया यहाँ पर, वी इंटू जो लंब क्या हो गया दोस्तों, क्यू हो गया। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला बन गया हमारा, यानी यू बराबर बन गया 1/2 वी इंटू क्यू। तो दोस्तों ये बना फर्स्ट फार्मूला बना हमारा इसका। अब साथ साथ देखें इसमें सेकंड फार्मूले की बात करें, तो सेकंड फार्मूला कैसे बनता है, तो सबसे पहले उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों सेकंड फार्मूले के बारे में बात करें, तो दोस्तों हमने पढ़ाया अभी, मैंने बताया था सी बराबर क्या होता है दोस्तों, सी बराबर होता है क्यू बट्टे वी होता है दोस्तों। क्या होता है, सी बराबर क्यू बट्टे वी। तो सबसे पहले मैं इस सी बराबर क्यू बट्टे वी, अब यहाँ पर मैं क्या निकालूँ, यहाँ पर v और q में से किसी एक की वैल्यू ज्ञात कर लूँ। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करता हूँ q बराबर क्या होता है, सी वी। क्या होता है, q बराबर सी वी होता है। तो इसमें रख दें इक्वेशन में, तो ऐसी कंडीशन में u बराबर क्या बढ़ेगा, क्या बनेगा दोस्तों, 1/2 इंटू क्या बनेगा, v इंटू सी वी। तो ऐसी कंडीशन में u बराबर क्या इतना बनेगा, 1/2 सी वी स्क्वायर। क्या बन जाएगा दोस्तों, सी वी स्क्वायर। तो इस प्रकार दोस्तों इसका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया दूसरा भी। ये क्या दोस्तों, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये सेकंड फार्मूला हो गया। अब दोस्तों इसमें थर्ड फार्मूले की बात करें हम, तो तीसरा फार्मूला दोस्तों क्या बनेगा इसमें, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर हम v की वैल्यू ज्ञात करें, तो v बराबर दोस्तों इससे फॉर्मूले से ज्ञात करें, यानी q बराबर सी वी से, तो v बराबर दोस्तों बनेगा हमारा q बट्टे सी। क्या बनेगा, q बट्टे सी। इस इक्वेशन में रखते हैं या बोल सकते हैं इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला जो बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा u बराबर क्या बनेगा दोस्तों, u बराबर 1/2 इंटू क्या बनेगा यहाँ पर, सी इंटू क्यू बट्टे सी का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कट गया। तो ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट फार्मूला जो बनेगा दोस्तों इसमें क्या बनेगा, u बराबर 1/2 क्या बनेगा, 1/2 क्या बनेगा यहाँ पर, क्यू स्क्वायर बट्टे सी, अर्थात बोला जा सकता है u बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे सी। क्या बन गया, इसका एक फॉर्मूला बन गया, यानी क्यू स्क्वायर बट्टे टू सी। तो इस प्रकार दोस्तों इसके तीन फॉर्मूले ज्ञात हुए हमें, यानी कितने फॉर्मूले प्राप्त हुए हमें, तीन फॉर्मूले, यानी एक फर्स्ट फार्मूला हो गया हमारा, और सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूले हो गए दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। तो अब जैसे मैं बात करूँ इसी में, नेक्स्ट बात करूँगा दोस्तों, ये तो हुई तुम्हारी संचित ऊर्जा, यानी संधारित्र की संचित ऊर्जा।
संचित विभव ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली। यानी विभव ऊर्जा का मतलब है जैसे ही कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, उस कंडीशन में इसके जो फॉर्मूले होते हैं, हमारे तीन कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जा सकता है जब न्यूमेरिकल आते हैं उस कंडीशन में। तो नेक्स्ट वैसे बात करें इसमें, तो दोस्तों नेक्स्ट बात करूँगा मैं इसमें, दोस्तों इतनी बात जरूर समझ, भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे नेक्स्ट बात करें इसमें, अब नेक्स्ट बात करूंगा मैं विद्युत गोलीय चालक की, विद्युत गोलीय चालक की धारिता की बात करें, किसकी बात करें, विद्युत गोलीय चालक। तो विद्युत गोलीय चालक होता है क्या, होता है क्या नहीं होता है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसमें मैं बात करूंगा कैसे बनेगा। तो विद्युत गोलीय चालक की विद्युत धारिता बोल सकते हैं, विद्युत गोलीय चालक की विद्युत धारिता, तो दोस्तों विद्युत गोलीय चालक क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा क्या है, यानी एक विद्युत गोलीय चालक दे दिया हमने, तो ऐसी कंडीशन में इसे प्लस क्यू आवेश से क्या कर दिया मैंने, आवेशित कर दिया, इसे कैसे कर दिया, प्लस क्यू आवेश से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर ये क्या है, एक रेडियस है इसकी, क्या है, एक त्रिज्या दी है, तो इस कंडीशन में इसमें एक त्रिज्या दी है, तो बोल सकते हैं माना आर त्रिज्या का एक विद्युत गोलीय चालक है, तो चालक को हमने प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसे क्या दिया है, एक प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो इसे प्लस क्यू आवेश आवेशित कर दिया हमने, ये दोस्तों क्या है हमारा, ये प्लस क्यू आवेश क्या कर दिया हमने, आवेशित कर दिया गया है। तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या होता है, जो आवेश होता है वो समान रूप से कैसा होता है, वितरित होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है एक समान रूप से, एक समान रूप से कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसका जो फॉर्मूला बनता हमारा, तो वो बनता हमारा ऐसी कंडीशन में, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये बनेगा C बराबर बनेगा यहाँ पर 4πε0R, इसका एक फॉर्मूला ज्ञात होता है ये, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक क्या होता है, एक डेरिवेशन होता है, उसके द्वारा इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे मैं बात करूँ इसी पर, जैसे जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे ये वैल्यू दोस्तों 4πε0 होती है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इस कंडीशन से जहाँ हम बोल सकते हैं ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हुई, तो ऐसी कंडीशन में C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R, जैसे जैसे क्या होगा।